वेलकम बैक गाइस, माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप अनलिमिटेड यूपीआई आईडी कैसे बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर ब्लॉगिंग पसंद करते हैं तो नीचे ब्लॉगिंग चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर मतलब उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप एक बार कमेंट भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का हल कर सकें। तो गाइज, मैंने अभी जो है अपने टेलीग्राम पे एक पोल किया था जिसमें जो है यूज़र ने बोला था कि हमें अनलिमिटेड यूपीआई आईडी का सिस्टम चाहिए जहाँ पे आप अपनी अनलिमिटेड यूपीआई आईडी बना सकें। तो उसके लिए आपके पास गूगल पे होना चाहिए, यानी कि जी पे, ठीक है, आपके पास होता है तो है, तो कोई नहीं। आगे भी मैं आपको समझा देता हूँ आप अपने अनलिमिटेड यूपीआई आईडी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी आपको यूपीआई आईडी दिख रही होगी और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है मेरे मोबाइल नंबर के जो नीचे है वो यूपीआई आईडी है, जो मेरी जीमेल जैसी है, आपने देखा होगा। तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेना है आपके पास अभी, और जितनी भी जीमेल आईडी हैं सभी जीमेल आईडियों से एक एक बार आपको एक नया अकाउंट, यानी कि उसी अपने नंबर से जो भी आपका फ़ोन नंबर है उसी में नंबर लगा के आपको जो है दोबारा से वही चीज़ है जो ओटीपी आता है वही सबमिट करना है। और वहाँ पे जो है यहाँ पे आपको आपको अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए आ जाती है। तो आप अपनी कोई सी भी यहाँ पे जीमेल आईडियों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कितनी सारी जीमेल आईडी हैं अभी। तो आप जितनी भी जीमेल आईडी होंगे उस तरह से आप इतने ही अनलिमिटेड यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक जीमेल आईडी सेलेक्ट कर ली है और जो है उसे जो है आपके सामने मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये आप देख लेना, यही आपको इस पे मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और मैंने कम से कम 5-6 यूपीआई आईडी अपनी बना रखी हैं। आपके पास वैसे भी 2-3 यूपीआई आईडी वैसे भी मिल जाती हैं, एक जीपे की हो जाती है, मतलब कि गूगल पे में एक हो जाती है, और एक आपको फ़ोन पे की और पेटीएम की, और आपको एक अमेज़ोन की भी यूपीआई आईडी आपको मिल जाती है, आपने खुद देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको और भी अनलिमिटेड यूपीआई आईडी बनाने की वो बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं कि यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर देती हैं। तो आपकी आपके पास एक अच्छी मतलब एक नई यूपीआई आईडी होगी तो आपकी अगर ब्लॉक हो जाती है तो आप दूसरी यूपीआई आईडी से भी आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक लिंक कर देना उस वाली जीमेल आईडी पे भी, और ऐसा नहीं है कि आपका ये उस वाली जीमेल आईडी से मतलब उस वाली जीमेल आईडी पर हट गया होगा, ऐसा नहीं है। विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको, कोई इसमें झंझट नहीं है कि आप कहेंगे भाई वो तो बंद हो गई होगी यहाँ से उसने इसको लिंक कर लिया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आपके बैंक में ही पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। और विद प्रूफ दिखाऊंगा, और अभी मैंने जो दूसरी पहली वाली जीमेल है वो आईडी जो आप एक बार स्किप करके भी देख लेना, अभी मैंने ये यूपीआई आईडी एक तैयार की है। और यहाँ पे जो है थोड़ा मेरा और कोई साइड मतलब भी वो खुल गया था तो सॉरी इसके लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको और भी मतलब एक बार वो एप्लीकेशन को खोल के अपने यूपीआई आईडी को वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सक्सेसफुल यहाँ पे जी मतलब कि जीमेल आईडी एक्टिवेट हो गई है। और यहाँ पे एक पासवर्ड आपके पास भी आता होगा, आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। तो कोई भी अपना पासवर्ड बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पे जो दो ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहते हो कि फ़ोन का और पासवर्ड एक ही हो तो वो ऊपर वाला सेलेक्ट करना, अगर आप चाहते हो कि इसका पासवर्ड और उसका पासवर्ड अलग हो तो आप अलग से वो कर लेना। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी कॉपी करने के लिए आ गई है नीचे, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और ये फ्रेश न्यू है बिल्कुल, यहाँ से मैंने कोई ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं की है। हो सकता है यहाँ से अगर मैं 1 रुपया भी सेंड करता हूँ वो वाला सिस्टम जो आता था तो यहाँ पे मेरे को कैशबैक भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने सामने अपनी यूपीआई आईडी को कॉपी भी कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको विद प्रूफ दिखा लेता हूँ। तो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे कू ऐप में, ऐसे सिस्टम है कि अगर आपको एक यूपीआई आईडी पे विड्रॉ नहीं लगा सकते, सारे अकाउंट आपके पास 10 अकाउंट होते हैं या तो ओटीपी तो आप कहीं ना कहीं से ले आते होगे, फिर भी उसके लिए अगर ओटीपी के लिए भी चाहते हो वीडियो तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना, आपसे आपको सेलेक्ट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा यूपीआई आईडी सक्सेसफुल यहाँ पे हो गई है, अवधेश शर्मा यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया है आपके सामने। और यहाँ पे जो है मेरे को नीचे प्रोसेसिंग पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा, कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी मतलब कि 2-4 सेकंड में आपके पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ लाइव, तो थोड़ा सा
टाइम लग रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल मेरा हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट योर बैंक विद 24 आवर्स। तो यहाँ पे 24 घंटे का वेट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है तुरंत इंस्टेंट के इंस्टेंट मैं यहाँ पे अपने जीपे में गया, और यहाँ पे मैं अपना ये पासवर्ड, आपको पता ही होगा वो सिक्योरिटी सिस्टम हो जाता है, तो यहाँ मेरे पास पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड भर दिया है। और यहाँ पे जो है एक ओपन करके, एक ओपन, हाँ ओपन करके एक UPI मतलब कि कोई आया है ओपन। तो यहाँ पे देख सकते हो योर पेमेंट टू कू रिबोट, ठीक है। यहाँ पे कू रिबोट की ओर से मुझे जो है यहाँ पे 17 रुपये 50 पैसे यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो मेरी कौन सी UPI ID में हुए हैं। आप कल को बोलो कि भाई बेवकूफ़ बना रहा है। और यहाँ जो है अब उसके बाद मैं आपको सिस्टम और भी, मेरे पास कू ऐप का एक और अकाउंट है जिसका विड्रॉ मैं पुरानी वाली UPI ID में लगाने वाला हूँ, जो आपको पता ही होगा, जो आप वो बीडी मतलब कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी कि भाई इस वाली UPI ID से मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी आपके सामने देख सकते हो कितने रुपए हैं इसमें, और इसको मैं विड्रॉ करके दिखाऊंगा आपके सामने विद प्रूफ लाइव। तो यहाँ पे मैं आपके उसमें गया कू ऐप में, और कू ऐप में जाने के बाद इसको जो है विड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको अपने अकाउंट में। तो यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे लॉगआउट कर लेता हूँ अपना अकाउंट। तो सॉरी, मैं सोच रहा था ये पार्ट कट करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो कट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने वॉइस ओवर कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना वहीं पे ओपन करता हूँ। तो गाइज मैंने फाइनली अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो है इस अकाउंट में मेरे पास यहाँ पर 12 रुपये पड़े हुए हैं, 12 रुपये 50 पैसे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे 1 रुपये टैक्स लेने वाला है। और यहाँ पे मेरी UPI ID जो पहले वाली है, आपने जो है देखा होगा स्टार्टिंग में जो UPI ID थी वो थी, अब जो मैंने बिल्कुल भी अकाउंट में कोई छेड़खानी नहीं की अपने मतलब गूगल पे में जो है, यानी कि अभी तक ओपन नहीं किया है। तो क्या मेरे पैसे उसी अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे, आप भी देखना। विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपके पास अनलिमिटेड UPI ID बनाने की ट्रिक है, और आप कू एप्लीकेशन को भी लूट सकते हो अनलिमिटेड UPI ID बनाकर। और इसका बैलेंस मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप पे जो बैलेंस बताता है। अभी मैं आपको अपना बैलेंस, मैन बैलेंस दिखाता हूँ अपने बैंक का। तो यहाँ पे मैंने अपना मैन बैलेंस जानने के लिए 1 दबाया है व्हाट्सएप के लिए, और यहाँ पे जो है व्हाट्सएप पे इसकी मतलब कि उनकी ओर से एक मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट आया है कि मेरा जो है बैलेंस इतना है इतनी डेट को। आप डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2,726 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में भी पड़े हैं। और मैं इसे विड्रॉ करता हूँ जो है 12 रुपये, तो यानी कि 11.5 रुपये विड्रॉ होंगे, क्योंकि 1 रुपये यहाँ पर टैक्स लेने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 रुपये 50 पैसे यहाँ पे मेरे 1 रुपये मतलब 11 रुपये 50 पैसे यहाँ पे विड्रॉ होने वाले हैं। और यहाँ पे UPI ID भी आप चेक कर लेना क्लियर सही से, और यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, और जो है यहाँ पे मेरा नाम भी शो हो रहा है। तो आप भी एक बार यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपका ही नाम शो ना होना चाहिए जब भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस मैंने जो है यहाँ पे सिंपली कर दिया था, और विड्रॉ भी यहाँ पे क्लियर ही मेरे अकाउंट में रिसीव भी हो सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे आपके सामने विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने मतलब व्हाट्सएप में जाता हूँ, और व्हाट्सएप में जाने के बाद अपना जो है अकाउंट चेक करता हूँ कि अकाउंट बैलेंस में भी कितना है। आप टाइमिंग भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1:41 हो रही हैं, और 43 मिनट के बाद मेरा फिर से मैसेज गया है। आप ही को ये पता लग गया होगा, यानी कि 2 ही मिनट हुआ है, 2 ही मिनट में आप देख सकते हो मेरे पास रिसीव होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने 37 रुपये मेरे पास हो गए हैं, यानी कि 2,737, और यहाँ पे 2,726 रुपये, और पैसे जो आपको 15 और उधर 60 पैसे दिख रहे हैं। तो कोई भी ऐसा कुछ डाउट नहीं है, कोई यहाँ पे टैक्स नहीं है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू सो मच गाइस, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।